हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है, इसकी क्या पहचान होती है, क्या रोल्स होते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है अगर आप किसी भी सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे अगर आपको दिखता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ वह जा चुका होगा, चुका होगा, वे यहां आ चुके होंगे, तू अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, गाइस ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने के क्या रूल्स हैं, सबसे पहले ये देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, हम विल हैव का यूज़ करते हैं। गाइस, पहले शैल हैव भी लगाते थे पर अब शैल का यूज़ जो है टेंस में ऑब्सोलीट हो चुका है, तो अब हम सिर्फ विल हैव का यूज़ करेंगे। गाइस, अगर आप सब्जेक्ट जो है यानी जो करता है अगर वो सिंगुलर हो तभी आपको विल का यूज़ करना है, विल हैव का अगर प्लूरल हो तभी आपको विल हैव का यूज़ करना है। पहले आई और बी के साथ शैल का यूज़ होता था लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको जितनी भी सब्जेक्ट आप देखेंगे आप उसको सबके साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। ओके, वह जा चुका होगा, इसको बनाने के क्या बोलेगा, ये सारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ है, क्या क्यों कहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, तो इसको बनाने के क्या रूल होते हैं गाइस, वह जा चुका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, उस सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, कौन जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। इसको कैसे बनाएंगे हम, वह के लिए सबसे पहले ही यूज़ करेंगे। ओके, वह के लिए ही लगाया, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चुका होगा की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव, विल हैव हम यूज़ करेंगे, ही विल हैव। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने के लिए हम यूज़ करेंगे गो, वेंट, गॉन। मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गाइस आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो वी, ही विल हैव गॉन। ओके, सेकेंड पे आते हैं, वे यहाँ आ चुके होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, वे की इंग्लिश होती है दे, आपको दे लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है विल हैव। थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे आना, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, आना, आने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम, तो कम आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या बचा ऑब्जेक्ट, यहाँ, यहाँ के लिए हमें लगाना है हियर। ओके, जो बचता है उसको लगा देंगे। उसके बाद अब थर्ड पे आते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम का होता है यू, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव। थर्ड पोजीशन पे आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने का क्या होता है, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है गाइस, रीड की स्पेलिंग जो है सेकेंड फॉर्म की भी सेम है एंड थर्ड फॉर्म की भी सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा, आपको पढ़ना है रीड, रेड, रेड, सेकेंड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा एंड थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा, तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, यू विल हैव रेड, क्या पढ़ चुके होंगे, अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, इंग्लिश। ओके, यू विल हैव रेड इंग्लिश, ये हो गया अफर्मेटिव के एग्जाम्पल गाइस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिस पे किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लग जाएगा वह नहीं जा चुका है। ओके, वे यहाँ नहीं आ चुके हैं, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हो, तो ये हमारे सारे जो हो गए गाइस वो हमारे हो गए सारे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको बनाने के क्या रूल्स हैं वो भी देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको वही लगाने है जहाँ सब्जेक्ट होती है, उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है गाइस, विल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको नॉट जो है विल के बाद लगाना है, विल नॉट हैव गॉन। ओके, ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा, He will not have gone. ये आपका negative sentence हो गया। इसका negative कैसे बनाएंगे? वे यहाँ नहीं आ चुके होंगे। They will not have come. They will not have come. Come का third form लगा है come. Come came come. Okay? तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे। You will not have read
इंग्लिश, ओके, यू विल नॉट हैव रेड इंग्लिश. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए गाइस. अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है गाइस कि दो तरह के होते हैं. एक तो ऐसे होते हैं गाइस जिसमें स्टार्टिंग में क्या लगा होता है. अगर इसमें क्या लगा दूं, इसके क्या ट्रांसलेशन बन जाएंगे, ये सारे इंटरोगेटिव हो गए. ये मैंने आपको बताया हुआ है गाइस लास्ट वीडियो में आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में, कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग क्या की नहीं लगाते हम, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठा के हम पहले कर देते हैं. क्या करना है आपको, विल से स्टार्ट कर देना है. विल ही हैव गॉन, दैट्स इट. विल ही हैव गॉन, ऑलराइट. दे विल नॉट हैव है यहाँ पे, आपको क्या करना है, विल उठा के यहाँ भी पहले कर देना है. विल दे हैव कम, कोई पर्टिकुलर मीनिंग मैंने नहीं लगाई है यहाँ पे क्या की, बस हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब उसकी रहती है उस सेंटेंस में, जो भी टेंस का सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा के हमें पहले लगा देनी होती है. ठीक है, वी हैव हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको विल हैव पूरा नहीं लगाना है. फिर से याद सुन लीजिएगा, विल हैव आपको पूरा स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, आपको विल सिर्फ लगाना है. विल दे हैव कम, ओके. अब हम बात करते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होगे. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही रूल फॉलो होगा. क्या करना है आपको, विल उठा करके आपको यहाँ पहले कर देना है. तो क्या सेंटेंस बना, क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन. क्या वे यहाँ आ चुके होंगे, विल दे हैव कम. क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रेड इंग्लिश. अगर इसका नेगेटिव बनाना होता, क्या वह नहीं जा चुका होगा, अगर यहाँ मैं नहीं लगा दूँ तो आप क्या बनाएंगे, विल ही नॉट हैव गॉन. विल ही नॉट हैव गॉन. क्या वे यहाँ नहीं आ चुके होंगे, विल दे नॉट हैव कम. विल दे नॉट हैव कम. क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे, विल यू नॉट हैव रेड इंग्लिश. ओके, आप देख लीजिए, आप नॉट कहाँ लगाना है इंटरोगेटिव में, जो क्या वाला है. विल ही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर आप हैव लगाइएगा. विल हैव एक साथ ही यहाँ पे लगाना है. विल ही नॉट हैव गॉन. विल दे नॉट हैव कम. याद रखिएगा, अगर आपने अफर्मेटिव का आपको अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी अफर्मेटिव बना सकते हैं. नेगेटिव का आ गया आपको कॉन्सेप्ट समझ में, तो आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा. और इंटरोगेटिव का ये रूल होता है गाइस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट का मिलेगा तो सारे के यही रूल्स होंगे. सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद हैव रेड इंग्लिश. ओके, ये आपको हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की गाइस जिसमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, वह वहाँ क्यों, वह वहाँ क्यों जा चुका होगा, तुम वहाँ कहाँ रह चुके होगे. मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप क्यों, कहाँ, कैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी हेल्पिंग, उसकी मीनिंग लगानी है. तो यहाँ पे क्यों है, क्यों की मीनिंग आप लगाएंगे वाई. अगर यहाँ पे क्या आ जाता तब आपको व्हाट लगाना होता. ओके, क्या स्टार्टिंग में आएगा तो आपको व्हाट नहीं लगाना है, अगर क्या बीच में आएगा तो आपको व्हाट लगाना है. यहाँ क्यों आया है, क्यों जो है एक प्रश्नवाचक शब्द है. क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब जो वर्ड्स अगर दिखते हैं आपको, ये सब की हिंदी दिखती है तो सबसे पहले आपको उसकी मीनिंग लगानी होती है. याद रखिएगा गाइस, वह वहाँ क्यों जा चुका होगा, सबसे पहले वाई लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें विल. याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल जो है हम यहाँ लगाएंगे, बाकी जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल हैव नहीं लगाएंगे एक साथ यहाँ पे. वाई विल हैव ही नहीं, वाई विल ही हैव गॉन देयर. वाई विल ही हैव गॉन देयर. वह वहाँ कहाँ रह चुके होंगे, यहाँ पे भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है. कहाँ के लिए आपको वेयर यूज करना है, ये वेयर, उसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वाय के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, वेयर के बाद लगाई, वेयर विल यू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाना है आपको, मेन वर्ब. मेन वर्ब यहाँ पे है रहना, काम, जो भी काम होता है वो मेन वर्ब होता है. याद रखिएगा, वेयर विल यू
यहाँ पे क्या करना है, अभी हैव बच्चा हुआ है तो वेयर वाई वेयर विल यू हैव, वेयर विल यू हैव, जैसे यहाँ मैंने वाई विल ही हैव किया, जैसे वेयर विल यू हैव रहने का लगेगा लिव्ड, वेयर विल यू हैव लिव्ड, वहाँ देयर, लिव का थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया है, ठीक है, तो लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड होता है, वेयर विल यू हैव लिव्ड, तो ये